आप क्या पहचानोगे, फिर भी हम बता देते हैं हम हैं फैन। किसके? सलमान खान के फैन। और इतने बड़े फैन कि सल्लू भाई ने शादी नहीं की तो आज तक हमने भी शादी नहीं की। लेकिन अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है और हमारे सल्लू भाई ने भी अनाउंस कर दिया है कि शादी करूंगा, तो हमने भी सोच लिया शादी कर लें। तो हमारे दिल में भी एक लड़की बसी है पर हमने उसे देखा नहीं। फोन से बात होती है, उसकी आवाज़ देखो क्या खूबसूरत आवाज़, वाह ऐसा है जब बोलती है तो फूल झड़ते हैं। और हमसे बोली थी हमें शादी करनी है तो मैंने आ जाओ, और आज उसने वादा किया है आने का। हमारी मधवाला, हमारी मृगनयनी, जाने कैसी होगी आज देखेंगे हम उसे पहली बार। पर कहाँ है हमारी मधुबाला चंद्रमुखी? प्राणा प्राणा अम्मा जी, कौन हो आप? अम्मा जी, तुझे मैं अम्मा जी नजर आ रही हूँ? नहीं, अभी पैदा होके चली आई हो। मित्र लगता है तू अखबार वगैरह नहीं पढ़ता है। अखबार? अरे प्लास्टिक का अखबार आता है मेरे यहाँ। प्लास्टिक वो तो लगी रहा है बॉडी से, मैं भी धोखा खा गई हूँ। अखबारों में पढ़ा होता तो पता चलता हाल ही में मैं अमित से मिली थी। अमित? अरे कौन वो गाड़ी ड्राइवर अमित? वो अमित नहीं, महानायक अमिताभ बच्चन की बात कर रही हूँ। क्या बात करती हो मुझ महानायक अमिताभ बच्चन? क्योंकि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ, बड़े बड़े कलाकार मेरे आगे घुटने टेकते हैं। क्या बात करती हो, बड़े बड़े कलाकार? पता है अमित जी मुझे देखते क्या बोले? क्या बोले? अरे भाई आप तो आज भी ड्रीम गर्ल लगती हैं। हाय अम्मा जी, आपको गलत फहमी हुई है, ड्रीम गर्ल तो हेमा मालिनी जी है। वो मेरे बाद में है, सबसे पहले ड्रीम गर्ल तो मैं ही हूँ। क्या बात करती हो अम्मा जी। अम्मा जी तो एक बात बताइए, आपने कौन कौन सी मनहूस फिल्मों में काम किया है? बेटा काम की तलाश में तो इधर से उधर भटक रही हूँ। लोकल्लो बात, अभी तो कह रही थी बड़े बड़े फिल्म स्टार हमारे आगे घुटने टेकते हैं, अब कह रही हो फिल्मों की तलाश में घूम रही हूँ। बेटा मैं काम मांगने गई थी। अरे किसके पास गई थी अम्मा जी आप काम मांगने? मैं अमरीश पुरी जी के पास काम मांगने गई थी। कौन अमरीश पुरी? अरे अमरीश पुरी, मैंने कहा ना फिल्मी दुनिया के बारे में नहीं जानते। अरे क्या बात करती हो अम्मा जी, मैं फिल्मी दुनिया के बारे में नहीं जानता, मेरी तो रग रग में खून नहीं फिल्मी दुनिया बसती है। नस काटोगी तो स्टार निकलेंगे, स्टार स्टार। वो तो लग ही रहा है कितने स्टार निकल रहे हैं, अब भी दिखाई दे रहा, खून निकालने की जरूरत नहीं है। पता है अमरीश पुरी मुझे देखते क्या बोले? क्या बोले? अरे भाई, अरे जब भी मैं किसी गोरी तितली को देख लेता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं, और उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात करती है अम्मा जी, दो पैग लेके तुम भी वहीं सो जाती? ए नहीं बेटा, ये भरी जवानी में ऐसा नहीं कर सकती ना। भरी जवानी? अरे अम्मा जी ये भरी जवानी नहीं, ये तो मरी जवानी है। बेटा ये मरी जवानी नहीं, ये भरी जवानी है, गौर से देख, आंखों का इलाज करा करा। अरे तुझे गौर से देखता हूँ अम्मा जी तो मेरी आंखें दुखने लगती हैं। हाँ बेटा, स्टारों को देखने में बड़े बड़ों की आंखें दुख जाती हैं। अरे अम्मा जी और बताओ, और किससे मिली आप? उसके बाद फिर मैं अमजद के पास गई। अमजद? अरे वो शोले पिक्चर वाला अमजद खान। शोले वाले अमजद खान? पता मुझे देखते क्या बोले? क्या बोले? कितने आदमी थे? मैंने कहा आदमी कोई नहीं है, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। अम्मा जी आप अभी तक कुंवारी हो? हाँ, जब पता चलेगा मैं किस लिए आई हूँ तो फिर पता चलेगा कि मैं कुंवारी के बाद शादीशुदा भी हो जाऊंगी। अच्छा, और किससे मिली अम्मा जी आप? उसके बाद फिर मैं गई नसरुद्दीन शाह के पास। क्या बात करती हो। हाँ वो पता मुझे देखते क्या बोले? क्या बोले? वो क्या है कि फिल्मों में काम करना गुनाह है, पाप है। तो कहता हूँ कि पाप का पाप है ये। मैंने कहा तू काहे को करता है? बोला मेरी मजबूरी है। फिर मैं तुझे बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दादाजी के पास चली गई। अरे अम्मा जी आपके दादाजी भी जिंदा हैं? अरे मेरे दादा नहीं, फिल्मी दुनिया के दादा, उनके हाँ। अरे ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी। हाँ उनके पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा अरे लाजवंती, इस उम्र के अंदर मैं हीरो का रोल नहीं कर सकता। ऐसा है अम्मा जी, आप कोई कलाकार वलाकार नहीं हो,
और ऐसा है काम घाम में तो आप अपने टाइम काट रहा था, आज मेरी ना गर्लफ्रेंड मिलने आने वाली है। अच्छा, मैं कलाकार नहीं हूँ। अरे काहे की कलाकार? अच्छा, तुम तो कोई स्पीकर वगैरह फिट करके आ गई हो। स्पीकर फिट करके आ गई? अच्छा, इसे पढ़ बेटा, उसके बाद मेरे घुटनों में आ जाएगा। क्या अम्मा जी, आपको नाना पाटकर की आने वाली गुफा फिल्म में काम मिल गया है? इतना अनपढ़ है, कितनी लेट पड़ा है यार। कोई बात नहीं है, पता काम कैसे मिला है? कैसे मिला अम्मा जी? नाना पाटकर जी के पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा, बता इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है? अम्मा जी आपने क्या कहा? मैंने कहा ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये तो कलर है किसी दुकान का है। अरे वाह, बोले अच्छा है, तुम्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा। अम्मा जी हमको भी काम दिला दो फिल्म। देखो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, घर का एक ही आदमी फिल्मों में काम करता है, एक जो है घर में बैठकर आराम करता है। अरे तो अम्मा जी हमारा तो कोई भी जानने वाला फिल्मों में नहीं है। तुम्हारी चंद्रमुखी, तुम्हारी रातों की रानी, तुम्हारी अनारकली, तुम्हारी होने वाली धर्मपत्नी, यानी कि जिसे तुम अम्मा जी कह रहे हो, वो मैं।